इलाकों में और वफाक में भी इजाफा ज्यादा किया गया तो पंजाब में भी ये इजाफा कर दिया जाए। तो पंजाब की काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इससे बुनियादी तौर पर जो इम्पैक्ट आना है टोटल पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का, वो 200 अरब रुपए बनता है। रेस्क्यू 1122 के लिए एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एक जो है मरीज को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए। सूबे में एडिशनल कमिश्नर्स वगैरह जो हैं इनको गाड़ियां नहीं मिलेंगी और जो इनके इस्तेमाल में गाड़ियां हैं वो रेवेन्यू स्टाफ जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनके पास जाएंगी। जी वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुन ली। तनख्वाहों में विफाक के बराबर इजाफा कर दिया, पेंशन में भी 17.5% इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तला'आत आमिर मीर कहते हैं रेस्क्यू 1122 के लिए एयर एम्बुलेंस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर खरीदने की भी मंजूरी दी गई है, रेवेन्यू स्टाफ को भी ट्रांसपोर्ट सहूलत दी जाएगी। हुकूमत का गरीब आवाम को तारीखी झटका, फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए तक महंगी कर दी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर, बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.50 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। 100 यूनिट वालों के लिए बिजली 3 रुपए महंगी, 101 से 200 यूनिट पर बिजली 4 रुपए बढ़ेगी। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फीन के लिए बिजली 5 रुपए महंगी, 301 से 400 यूनिट वालों के लिए 6.5 रुपए इजाफा, 400 से 700 यूनिट वालों के लिए कीमत 7.5 रुपए बढ़ गई। नवाज शरीफ को ये 4.5 साल जो जाया हो गए, नवाज शरीफ की हुकूमत होती, पीएमएलएन की हुकूमत होती तो पाकिस्तान कहां चला गया होता। बदकिस्मती से ये तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नक्शा बदल दिया था। चोर और डाकू का लफ्ज कराची से लेकर पेशावर तक दिमागों में समो दिया गया और तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। नवाज शरीफ उछकता जिसको जेल में बंद किया गया, पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया गया। बरतानिया से पाकिस्तानी अवाम के 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में ना सके। पीटीआई हुकूमत लंदन में जाकर इस तरह इस केस में पार्टी बनी जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान। पैसा कौमी खजाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद, बोले डिफॉल्ट का सोचकर नींद नहीं आती थी। मिन्नतों के बाद आईएमएफ से मुआहदा हुआ, इलेक्शन में अवामी फैसले के सामने सर तस्लीम खम करेंगे। लाहौर में 5 घंटे बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें चौराहे गलियां बाजार तालाब बनकर। मॉडल टाउन गुलबर्ग डिफेंस टाउनशिप गुलशन इरावी समनाबाद चुबुर्जी और लक्ष्मी चौक पानी पानी, गड़ी शाहू जेल रोड माल रोड डूबे रहे। जहूर इलाही रोड और कजाफी स्टेडियम और लारी अड्डे का बुरा हाल, जनरल हस्पताल और जिना हस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया। लाहौर के 3 बड़े हस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी, सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट में 205 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई इलाकों से निकासी आप का काम मुकम्मल कर लिया गया। वजीर आला का बारिश में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कजाफी स्टेडियम लिबर्टी गुलबर्ग गार्डन टाउन मॉडल टाउन गए। इस्लामपुरा अंदरूने शहर सर्कुलर रोड में निकासी आप के कामों का जायजा लिया। इस्लामपुरा में वासा के अमले से मुसाफा किया, निकासी आपका काम बरवक्त मुकम्मल करने पर शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने रिहायशियों के मसाइल भी सुने। वजीर आला का सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली ब्रेकडाउन का भी नोटिस, 2 रुकनी इंक्वायरी टीम कुछ देर में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला पंजाब का तहदिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वज़ीर आज़म की एक बार फिर मोहसिन नकवी की तारीफ, कहते हैं मोहसिन नकवी ने स्पीड से काम किया, मुझे भी पीछे छोड़ दिया।
वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में दान स्कूल के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने दान स्कूल की तानिया को पंजाब हुकूमत में मुलाजमत का तकर्रनामा दे दिया। बोले, मोहसिन नकवी से गुजारिश है पंजाब में दोबारा लैपटॉप स्कीम शुरू करें। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मोने सिलाही के खिलाफ घेरा तंग। अदालत ने मोने सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्क से फरार होने के बाद इश्तिहारी करार दिया गया। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के दो मुकदमे दर्ज हैं। मोने सिलाही का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद के मुंजमद होने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का बादशाही मस्जिद का दौरा। तबरुकाते मुकद्दसा की जियारत की। शोकेस की हालत ज़ार देखकर गम और गुस्से का इजहार। तबरुकाते मुकद्दसा को उनके शयानो शान शोकेस में रखने का हुक्म। बादशाही मस्जिद के नकारा कारपेट फौरी तब्दील करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी CNW पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी। CEO रूडा इमरान अमीन का चहार बाग और इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा। तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इमरान अमीन की जेर सदारत इजलास। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली गई। CEO इमरान अमीन का मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत। इमर्जिंग एशिया कप में संडे होगा मेगा क्रिकेट डे। आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कौमी खिलाड़ी एजाज का दिफा करेंगे। हारिस 11 की टेस्ट प्लेयर से मुलाकात। शाहीन अफरीदी समेत सीनियर्स ने केक काटा और हौसला बढ़ाया। हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। फ्रांसीसी हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी।